वर्चस्व की जंग में दो किन्नर गुटों में तनातनी इतनी भयानक हो गई कि इस लड़ाई ने एक की जान ले ली। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि खेड़की दौला टोल के पास दो किन्नर गुटों में विवाद के चलते रजनी किल्लर को एक के बाद एक तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक रजनी के परिजनों की शिकायत पर मीनू किन्नर गुट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ये दोनों गुट अवैध वसूली यानी कि बधाई के तौर पर वाहन चालकों से पैसे मांगने के आमने सामने थे, जहां देर रास्ते ये जंग इतनी तेज हो गई कि दूसरे किन्नर गुट ने रजनी पर एक के बाद एक तीन गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी गुट के 7 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। हमको पता नहीं चला, हमने है ना फोन करा था तो मोबाइल में रजनी का फोन, अच्छा तो फिर वो पुलिस वाले बोले थे ये अच्छा। फोन ये पता कि ये मर चुका, तुम आ जाओ। क्या बताया कि गोली मार गोली मार दी? तो क्या वो आपके पास रहती थी या उनकी टोली के पास रहती है? जड़ों के पास। ये गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में कल लगभग 3:30 बजे के करीब की घटना है। शाम को उस समय दो किन्नरों के ग्रुप थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया था, जो एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें एक ग्रुप मीनू ग्रुप का है और दूसरा रजनी ग्रुप का है। मीनू ग्रुप ने रजनी ग्रुप के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक की डेथ हो गई और जिसमें हमने 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके इसमें कुल जो 7 एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, और जो बाई नेम 3 एक्यूज्ड हैं वो अभी पेंडिंग है। जो मेन शूटर है पिंडा एलिस सुरेंद्र है, ये पानीपत एरिया का रहने वाला है, तो इसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है। जो इसके साथ प्रियंका और बबली, इन 3 की गिरफ्तारी बकाया, बाकी 7 गिरफ्तार कर लिए गए।